दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। वहीं आपके नेताओं पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। वहीं केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच भी अक्सर तकरार देखी जाती है। अब केजरीवाल एक बार फिर एलजी के निशाने पर है। इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट और विजय घाट पर नहीं पहुंच सके। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल सक्सेना ने 10 पॉइंट में लिखे इस लेटर में आरोप लगाया है कि तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। एलजी ने यहां तक लिखा है कि सिर्फ अखबारों में विज्ञापन जारी कर देना काफी नहीं है। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख और निराशा के साथ मैं आपके संज्ञान में आपके और आपकी सरकार की ओर से गांधी जयंती और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह पर आयोजित समारोह की उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एलजी ने आगे कहा कि मैं ये बताने को विवश हूं कि ना तो आप और ना ही आपके कोई मंत्री राजघाट या विजय घाट पर मौजूद थे, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सभी दलों के नेता, विदेशी दूत और आम लोग बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एलजी ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बेवन से कुछ मिनटों तक मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने इसे वहां रुकने लायक नहीं समझा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गांधी जयंती के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गांधी जयंती के मौके पर ज्यादातर नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए बापू को याद किया, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य पदाधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के मौके पर उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। लेकिन सीएम केजरीवाल ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा और प्रोटोकॉल को तोड़ा, जिससे दिल्ली के एलजी नाराज हो गए हैं और केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। हालांकि एलजी के इस चिट्ठी से आपको जबरदस्त मिर्ची लगी है। आम आदमी पार्टी ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम के कहने पर इसे लिखा गया है। आपने कहा है कि मुख्यमंत्री पिछले कई सालों में हर बार गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह में शिरकत करते रहते हैं, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री गुजरात में थे और इसलिए कार्यक्रम में नहीं जा पाए। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई है, तब से उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन दरकती जा रही है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता तो गई ही है, साथ में पार्टी भी उनके हाथ से जाने के कगार पर है। शिवसेना के ज्यादातर विधायक, सांसद और नेता सीएम शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं और उद्धव ठाकरे और सीएम शिंदे के बीच पार्टी को लेकर खींचतान चल रही है कि असली शिवसेना किसकी है। हालांकि मामला चुनाव आयोग के पास है, ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना है कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे गुट वाली या एकनाथ शिंदे गुट वाली। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकता है, क्योंकि शिंदे लगातार पार्टी के नेताओं को अपने खेमे में जोड़ते जा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के खेमे में गिने चुने नेता ही बचे हैं। अब शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार शिंदे ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को कमजोर करने के लिए उनके क्षेत्र में बड़ी सेंधमारी की है। पूर्व मंत्री और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र के 100 शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी शिंदे गुट ने ही दी है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के शिवसेना में भूचाल आना तय है। हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद उद्धव गुट दशहरा रैली की तैयारियों में जुटा है, लेकिन शिंदे गुट शिवसेना को तोड़ने में लगा हुआ है। धीरे धीरे करके शिवसेना के कई नेता शिंदे का हाथ थाम रहे हैं, जिस वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपने नेताओं को शिंदे के साथ जाता देख उद्धव ठाकरे गुट काफी परेशान नजर आ रहा है और उसके लिए उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने दावा किया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी अपना दिमाग लगा रही है, शिंदे ये सब नहीं सोच सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो अलग पार्टी बनाकर दिखाओ। उद्धव ठाकरे गुट ने भी ये कहा कि ईडी के डर से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के पास जाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि बीएमसी की ओर से शिवसेना को शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत नहीं मिल रही थी। इस पर शिवसेना के दोनों गुटों में जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। फिर दोनों गुटों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और बीएमसी को आदेश दिया कि नियमों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को रैली करने की इजाजत दी जाए। लेकिन शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते जा रहे हैं और शिंदे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने का दावा किया है। शिंदे गुट ने कहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और एमएनएस को मिलाकर कुल 1000 नेताओं ने उनके साथ आने का फैसला लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। आरजेडी सीएम की कुर्सी हथियाना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें ये असंभव जैसा है। अब नीतीश कुमार के एक्शन से महागठबंधन में महाबवाल देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी तूफान आने की आहट है। दरअसल नीतीश कैबिनेट से सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बड़ी भविष्यवाणी की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा
सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2 माह के भीतर महागठबंधन सरकार के दूसरे दागी मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा तूफान के आने की आहट है। अब लालू प्रसाद यादव के विश्वास पात्र जगदानंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मूंछ की लड़ाई है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार में महज 2 महीने के अंदर 2 विकेट का गिरना ये साबित करता है कि महागठबंधन के भीतर में काफी हलचल मची हुई है और नीतीश कुमार की अभी और फजीहत होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर लड़ाई अब जगदा बाबू और नीतीश कुमार के बीच की लड़ाई बन चुकी है। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले ही जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, जिसका खामियाजा उनके बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़ा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आगे कहा कि जगदानंद और उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने खुलकर नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप को फेल बताया और कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की बात कर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पोल खोली। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह ने मंडी कानून खत्म करने के फैसले का विरोध किया, कहा कि तेजस्वी यादव को अगले साल 2023 में मुख्यमंत्री बनाने की डील सार्वजनिक करने की कीमत जगदानंद को बेटे के मंत्री पद का बलिदान देकर चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर देखें तो इन दिनों बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। आरजेडी नीतीश कुमार पर कुर्सी खाली कर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रही है, जबकि नीतीश कुमार सीएम का पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और इस बार नीतीश कुमार ने लालू परिवार के करीबी और आरजेडी कोटे से मंत्री रहे सुधाकर सिंह को कैबिनेट से बाहर कर आरजेडी को जबरदस्त झटका दिया है। ऐसे में अब आरजेडी द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मुहिम और तेज हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में सियासी तूफान आ सकता है। बिहार में जब से नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में सीएम बने हैं, तब से ही उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। नीतीश कुमार को डर था कि अगर वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे तो बीजेपी कभी भी उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाकर बिहार में अपना सीएम बना सकती है। ऐसे में सीएम बने रहने के लिए नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिलाया, लेकिन आरजेडी की भी टेढ़ी नज़र सीएम की कुर्सी पर है और कभी भी नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पर आरजेडी चढ़ाई कर सकती है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए काफी बेचैन है। आरजेडी के नेताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी जल्द ही सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। हालांकि जेडीयू और नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। अब पोस्टर के जरिए आरजेडी द्वारा नीतीश कुमार को साफ संदेश दिया गया है कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ें और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपें। बता दें कि अब तक बिहार में लगाए गए राजनीतिक पोस्टर के जरिए जनता को संदेश दिया जाता था, लेकिन पहली बार पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही संदेश दिया गया है। जो पोस्टर आरजेडी द्वारा लगाया गया है, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पोस्टर में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए बिहार की कुर्सी खाली जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिखाया गया है। पोस्टर में पीएम को किसी का न सुनने वाला दिखाया गया है, जबकि गृहमंत्री अमित शाह को इंसान से लड़ने वाला अधर्म का प्रतीक बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर के जरिए विपक्षी एकता को साधने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने और बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए खाली करवाने की बेताबी भी झलक रही है। नीतीश कुमार को 2024 का सपना दिखाया गया है। इस पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भगवान विष्णु के रूप में दिखाते हुए तेजस्वी यादव को विष्णु के उस विराट रूप का एक अंश यानी कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। वहीं पोस्टर में नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। उनके हाथ में गांडीव है और तेजस्वी के इशारे पर वो लक्ष्य साध रहे हैं। इसके अलावा पोस्टर में लिखा गया है कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर लक्ष्य पर चलाए पार्थ, याद है ना 2024। हस्तिनापुर नई दिल्ली, आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेनधारी हैं। बता दें कि इस बार आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव की भूमिका बदली हुई नजर आ रही है। इससे पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा तेजस्वी यादव को अर्जुन के रूप में दिखाया जाता रहा है और तेज प्रताप को कृष्ण की भूमिका में, लेकिन इस पोस्टर में तेजस्वी यादव हाथ में लालटेन लेते हुए रथ हाँकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सियासी पोस्टर से आरजेडी ने नीतीश कुमार को साफ संदेश दिया है कि वो बिहार की गद्दी छोड़ें और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप कर केंद्र की सत्ता में मोदी का मुकाबला करें। हालांकि नीतीश कुमार और जेडीयू की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सीएम की कुर्सी को लेकर आरजेडी और जेडीयू में अभी से ही तकरार शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अब क्या करते हैं, क्या वो एक बार फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि आरजेडी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि तेजस्वी का सीएम बनना तय है।
कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत गुट ने जो कांड किया उससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई। वहीं इस साल गुजरात में होने वाले चुनाव में भी इसका असर दिख सकता है और कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। हालांकि बीजेपी इन दोनों पार्टियों से काफी आगे दिखाई दे रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में बीजेपी को हरा पाना किसी भी सियासी दल के लिए असंभव जैसा लग रहा है। इस बार आपके चुनावी समर में दमखम से उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होने की संभावना है। और केजरीवाल की लाख कोशिशों के बावजूद भी गुजरात में आम आदमी पार्टी की बुरी हार दिख रही है। दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर अब ओपिनियन पोल और सर्वे का दौर शुरू हो गया है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत बताई जा रही है। एक ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 135 से 145 के बीच सीट जीतकर लगातार सातवीं बार जीत दर्ज करेगी। दरअसल एबीपी न्यूज सी वोटर द्वारा गुजरात चुनाव को लेकर सर्वे कराया गया है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के मत फीसदी में कमी आएगी, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को उल्लेखनीय मत फीसदी हासिल हो सकता है, लेकिन उसे 182 सदस्यीय विधानसभा में महज एक या दो सीट ही मिलेंगी। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस बार 36 से 44 सीटों के बीच ही सिमट सकती है। आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में जिन लोगों से राय ली गई थी उनमें ज्यादातर लोगों ने सीएम भूपेंद्र पटेल के दूसरे कार्यकाल में पक्ष में दिखे। गुजरात की जनता की राय है कि भूपेंद्र पटेल जीतकर फिर से सरकार बनाए और सीएम बने। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 46.8% वोट मिलेंगे जबकि कांग्रेस को 32.3%, वहीं आपको 17.4% वोट मिल सकते हैं। इस बार आपके वोट प्रतिशत में इजाफा दिख रहा है। वहीं पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को कुछ प्रतिशत वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह से पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें काफी बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार केजरीवाल की पार्टी आप कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाती दिख रही है। हालांकि इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। ऐसे में दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी फ्री का ऑफर देकर सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।